अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मोडासा का अभी रिजल्ट्स फाइनल हो चुके हैं और मोडासा में हम 12 सीट्स लड़े थे, अल्लाह ने वहां हमें 9 सीटों पर कामयाबी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह 75% विनिंग का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा मोडासा में कामयाब हो चुका है। गोधरा में भी हमारी काउंटिंग चल रही है, भरूच में हम सीट्स नहीं जीत पाए, लेकिन मोडासा में हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि 12 में से 9 सीटें हम जीते। ये आसान काम नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान रहा सारे लोगों का जिन्होंने मेहनत की मोडासा में, ख़ासकर जिस टीम ने मेहनत की, मैं भी रहा वहाँ, हमारे एडवोकेट वारिस पठान साहब की भी बहुत आखिरी मेहनत रही, उन्होंने आखिरी में रोड शो किया, तकरीर की, अल्हम्दुलिल्लाह टर्न द टेबल कर दिया। और दीगर लोग भी वहाँ रहे, शफीक बाऊ भीड़ के रवीश मोमिन रहे, शहनवाज रहे, और जो लोग औरंगाबाद की टीम आई गई दीगर लोग, ये खुशी का मौका है। ख़ासकर इम्तियाज़ जलील साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप जो डिसीज़न लिए वहाँ लड़ने का, पहले था कि हम नहीं लड़ेंगे गोधरा मोडासा यहाँ, लेकिन बाद में डिसीजन चेंज हुआ, ये नतीजा है कि अल्लाह का फजल व करम आज हम 12 में से 9 सीटें जीत गए। और आज हम विपक्षी पार्टी, वहाँ के कॉरपोरेशन में विपक्ष का भूमिका हम ही हैं, कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह ने हमको कामयाबी दी। दुआ करिए गोधरा के लिए भी, वहाँ भी काउंटिंग चालू है, अल्लाह ने चाहा तो वहाँ से भी अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। भरूच में हम थोड़े मायूस हो गए, वहाँ हम सीट्स नहीं जीत सके, थोड़ी अभी काउंटिंग्स 2 सीटों की बाकी है, देखते हैं शायद अल्लाह ताला वहाँ हमें कामयाबी दे। अभी मैं सूरत में हूँ, मोडासा के लिए निकल रहा हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो शाम को कैंडिडेट्स के साथ एक लाइव वीडियो आपको बनाकर भेजता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।